हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ होम। मैं हूं निशा और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो बिल्कुल बेकरी के जैसी टेस्टी खस्ता बनती है। ये कुकीज़ बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए फटाफट से ये कोकोनट कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी एकदम बेकरी के जैसी टेस्टी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कोकोनट कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे 1/3 कप देसी घी। देसी घी मेल्ट नहीं होना चाहिए, हल्का सा जमा होना चाहिए और बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/3 कप घर की पिसी हुई चीनी। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए नाप के लिए, उसी से सारा मेजरमेंट लीजिए। और अब चीनी और घी को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए लगातार फेंटेंगे, जिससे कि एक थोड़ा क्रीमी, फ्लफी और सॉफ्ट हो जाए, आपस में दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, पहले मैंने चीनी और घी को मिक्स कर लिया, अब इसे हम लगातार फेंटेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को कर लेंगे एकदम सॉफ्ट और फ्लफी। तो देखिए, मैं इसको लगातार फेंट रही हूँ। और फ्रेंड्स, घी आप बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ ना लें और ना ही पिघला हुआ लें। आपने देखा मैंने कैसी कंसिस्टेंसी का घी यूज़ किया है, देसी घी का यूज़ किया है मैंने। आप अगर रिफाइंड में ये बनाना चाहते हैं कुकीज़ तो नहीं बनेंगी, और डालडा में भी ये कुकीज़ अच्छे से नहीं बन पाएंगी। तो मेक श्योर कि आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें। सिर्फ 1/3 कप देसी घी लिया है मैंने इसमें अभी तक। ये देखिए, मैंने लगातार इसको 7 से 8 मिनट के लिए फेंटा है। ये देखिए, एकदम क्रीमी, सॉफ्ट और फ्लफी सा हो गया है ये मिक्सचर। तो बस हमें इसको इसी तरह से फेंटना है। ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है, एकदम जैसे कि व्हिपिंग क्रीम होती है। बस अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा, और साथ ही में कोकोनट कुकीज़ बना रहे हैं तो कोकोनट का बुरादा तो जाएगा ही। तो 1 कप डाल देंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो 1 कप इसके अंदर मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। और टेस्ट को इन्हांस करने के लिए डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। और 2 बड़े चम्मच हमें इसमें डालना है वनीला कस्टर्ड पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन कुकीज़ का, एकदम मार्केट जैसी कुकीज़ बनके रेडी होती हैं। और साथ ही में अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, और साथ ही में हम डाल देंगे इसके अंदर 2 पिंच नमक। किसी भी मीठी चीज़ में अगर आप 1 से 2 पिंच नमक डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका, उसकी मिठास और बढ़ जाती है। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये विस्कर से नहीं होगा, इसलिए हम इसे करेंगे हाथ से। तो विस्कर को क्लीन कर लेते हैं पहले, जो भी इसके ऊपर मिक्सचर लगा हुआ है उसे हटा देते हैं, और उसके बाद हम इसको हाथ से इकट्ठा करेंगे। हमें इसे आटे की तरह नहीं लगाना है, यानी कि आटे की तरह नहीं गूंथना है इसे, बस इकट्ठा करना है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर डालते हुए नहीं करेंगे, एक हाथ से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इसे मिक्स कर रही हूँ पहले मैं, और फिर से हम इकट्ठा करेंगे एक जगह। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर का, लेकिन उससे ज़्यादा ना डालें, क्योंकि जो फिर हमारे बिस्किट हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। लेकिन मैं दूध नहीं डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच देसी घी और इसके अंदर, बट आप चाहें तो 2 छोटे चम्मच दूध भी इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि 2 छोटे चम्मच दूध से ज़्यादा इसके अंदर दूध ना डालें, वरना ये बिस्किट थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम क्रिस्पी, खस्ता नहीं बनेंगे। अब घी को भी मैं इसके साथ मिला दूंगी, जो अभी हमने 2 चम्मच घी इसके अंदर डाला है। और ये देखिए, बस इस तरह से हमें इसे इकट्ठा करना है, हमें इसका आटे की तरह नहीं गूंथना है बहुत ज़्यादा,
हल्के हाथों से बस इस तरह से इकट्ठा करना है। एक शेप बना के देख लीजिए, शेप बन रही है तो परफेक्ट है डो। तो चलिए डो तो हमारा रेडी हो चुका है। अब आज हम इन बिस्किट्स को बनाएंगे कढ़ाई के अंदर। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और उसके अंदर कोई कटोरी या स्टैंड रख दीजिए और फिर ढक के इसको 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट होने दीजिए। और जो कढ़ाई की लिड का ये जो स्टीम वाला होल होता है, इसमें मैं इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगा दूंगी जिससे कि हीट बाहर ना निकले इस कढ़ाई से, और 10 मिनट के लिए इसे अब हम प्रीहीट होने देंगे। तो चलिए अब कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि कुकीज़ को शेप दे लेते हैं। इससे पहले जिस भी प्लेट या थाली में आपको इन कुकीज़ को बेक करना है, उससे पहले आप घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और अब इसके ऊपर लगा देंगे बटर पेपर। बटर पेपर लगाने से कुकीज़ प्लेट से चिपकेंगी नहीं, इजीली रिमूव हो जाएंगी। तो मैं इसके अंदर बटर पेपर लगा रही हूँ और इसको भी अब घी से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो घर पे बटर पेपर कैसे बनाना है वो मैंने अपनी एक केक की वीडियो में बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए, अब मैंने ले लिया है ये 1 टेबल स्पून वाली जो मेजरिंग स्पून आती है ना, वो ले ली है, जिससे कि इक्वल साइज़ की कुकीज़ बने। आप चाहें तो इसके बिना भी बना सकते हैं अंदाजे से, लेकिन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ जिससे कि इक्वल साइज़ हो हमारी सभी कुकीज़ का। तो इस तरह से अब हाथों में रख लेंगे इस डो को और राउंड शेप दे देंगे, ये देखिए। और अब मैंने यहाँ ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा, और इन कुकीज़ को अब हम एक साइड से इस तरह से इस डेसिकेटेड कोकोनट पे कोट कर देंगे। इस नारियल का बुरादा देखिए, मैंने इस पे एक साइड लगा दिया है, सिर्फ एक साइड लगा रही हूँ मैं। और अब हल्के हाथों से इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस शेप की इन कुकीज़ को बनाया है, कितनी थिकनेस रखी है। बस इसी तरह से आप सारी कुकीज़ अब बना के रेडी कर लेंगे। तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक बार, अगर आप अच्छे तरह से इनको राउंड नहीं कर पा रहे अपने हाथों से, तो जिस तरह से हम लड्डू बनाते हैं ना, उस तरह से भी एक हाथ से इनको प्रेस कर कर के आप इनको शेप दे सकते हैं। इस तरह से देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से भी अच्छे से ये बंध जाएगा, यानी कि अच्छे से शेप आ जाएगी। और देखिए, इस पर भी मैंने एक साइड नारियल से इसको कोट कर दिया, देखिए। और हल्के हाथों से दबा देंगे इसको, जिससे कि ये जो नारियल का इसके ऊपर हमने बुरादा लगाया वो इस पर चिपक जाए। और थोड़ी कुकीज़ को भी हम शेप में इसी तरह से कर लेंगे, थोड़ी फ्लैट कर लेंगे। तो मैंने एक बैच कुकीज़ का बना के रेडी कर लिया है। चलिए अब इन्हें बेक होने के लिए रख देते हैं। अब तक कढ़ाई भी अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है, तो सावधानी से इस प्लेट को हम रख देंगे कढ़ाई के बीचों बीच। और अब इसके ढक्कन को लगा देंगे और करीब 20 से 25 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे इसको बेक होने देंगे। देखिए, सबकी गैस की फ्लेम अलग अलग होती है, तो 4 से 5 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने 20 से 22 मिनट बाद इस लिड को हटाया है कढ़ाई के, और चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ गया है। अब मैं इन सारी कुकीज़ को पलट रही हूँ और सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको और बेक कर लेंगे, जिससे कि जो हमने इसके ऊपर नारियल का बुरादा लगाया था एक साइड, उसका भी हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो मैंने इन कुकीज़ को पलट दिया है, अब ढक्कन लगा के इनको 2 मिनट के लिए और बेक होने देंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रहने दें, 2 मिनट हो चुके हैं। और चलिए अब इन कुकीज़ को बाहर निकाल लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जो मैंने कहा था आपसे कि हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही बेक करना है। देखिए, जो इसके ऊपर हमने नारियल का बुरादा लगाया था वो हल्का सा सिक गया है, कलर चेंज हो चुका है। अब इन कुकीज़ को हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। और फ्रेंड्स, याद रखें कि आप कुकीज़ को बाहर निकालने के बाद उसी प्लेट के अंदर ना छोड़ें जिसमें हमने इसे बेक किया है, वरना ये हार्ड हो जाएंगी। मैं इन कुकीज़ को स्टीमर प्लेट पे रख रही हूँ, आप चाहे तो किसी वायर रैक पे रख सकते हैं या फिर नॉर्मल दूसरी प्लेट में भी इसको रख सकते हैं। और अब इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। अभी ये कुकीज़ गर्म है तो थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन जैसे जैसे ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, एकदम क्रिस्पी और खस्ता हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी कोकोनट कुकीज़ बन के एकदम रेडी हो चुकी हैं, वो भी एकदम बेकरी की तरह, बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है ये।
और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है अंदर से। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है ये कोकोनट कुकीज़, एकदम बेकरी जैसी। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।